गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब। मनीषा नेस्ट में आप लोगों का स्वागत है। एक न्यू दिन, एक न्यू ब्लॉग। तो जहां पर ये ब्लॉग कल खत्म किया था वहीं से आज शुरू कर रही हूं। कैसे हैं आप सब, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला जो वेकेशन ब्लॉग है आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आ गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जहाँ पर हमारे ड्राइवर अंकल हमें लेके आए, जहाँ पर सिंघम की शूटिंग हुई थी, फाइट सीन हुआ था एक। तो ये इसी चीज़ के लिए बहुत फेमस है एंड बहुत ही कड़ाके की धूप हो रही थी तो ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। ऊपर भी जाते हैं लोग स्टेयर से, बट इतनी गर्मी थी कि हम तो हिम्मत ही नहीं कर पाए। तो चलिए, वही लोग आते हैं ना जिनके गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है। टेंशन में मैं और स्मूथ कर देगा, यहाँ वहाँ डुबकी लगा रहे, बीच पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, वहाँ पे होता है, बीच पे कोई डूब गया तो असल में डूबा है या जान बुझ के किया पता नहीं, गुस्से में। अभी हमारे ड्राइवर अंकल हमें एक नेक्स्ट जगह लेके जा रहे हैं जो कि अच्छी है कि नहीं वहाँ पे जाके बताती हूँ, बट वहाँ जाके एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ मिली जो दिल्ली में मैंने ट्राई किया है बट यहाँ पे आके खाया तो बहुत ही अच्छा लगा। तो वो है ये गुआवा, इतना टेस्टी था। ये वन पीस ओनली 50 रुपीज़ का था बट बहुत ही टेस्टी था। हम समझ नहीं पाए, हम ज़्यादा लिए नहीं और जब हम निकल के हमने इसको टेस्ट करना चालू किया तो समझ आया ये कितना टेस्टी है। तो हम थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे थे कि एक दो पीसेस और लेने चाहिए थे एंड ये बेबी भी बहुत क्यूट था जो सेल कर रहा था। तो चलिए अभी जाते हैं एंड ये जगह एकदम भी अच्छी नहीं थी, बहुत ही बोरिंग जगह थी एंड पता नहीं ड्राइवर भैया हमें यहाँ पर क्यों लेके आए। तो चलिए पूरी कर दो मेरे लिए। इतना सारा क्यों बना रहे हो? ना ना, এই জায়গা গুলো আমাকে লাগে পরিষ্কারই থাকে। এ বাস বাস, এটা বাদ দাও, এটা বাদ দাও, এটা বাদ দাও। मैंने मेरे ड्राइवर अंकल को बोला था कि मुझे अंकल शॉपिंग करना है, प्लीज़ मुझे एक अच्छी जगह लेके जाइएगा क्योंकि मुझे बाघा वगैरह से शॉपिंग नहीं करना था, वो वे एक्सपेंसिव होता है एंड मुझे मेरे मन मुताबिक चीज़ें भी नहीं मिल रही थी जो मैंने थोड़ा सा देखा भी था शॉप्स में। सो अंकल मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लेके गए हमारे ट्रिप के बाद में, वो था गोवा का लोकल मार्केट जो कि म्यूनसिपलिटी, जो यहाँ पर जितनी भी शॉप्स रहती है। एंड आप लोग गाइस बिलीव नहीं करेंगे, जो मैंने शॉपिंग किया, जो मुझे चीज़ें मिली, जो मुझे बहुत ही चीप प्राइस में, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने कम प्राइस में मुझे वहाँ पे चीज़ें मिली है। जब मैं हॉल शेयर करूँगी गोवा का तब मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी विद दी अमाउंट। अभी हम यहाँ पर उसके बाद में खाना खाने के लिए गए, चाट पापड़ी खाने के लिए गए, उसी शॉप के नियर में ही था जो कि इतना क्लीन था एंड गोवा में आके वो सब जगह कोई भी नहीं दिखाता है, सिर्फ बीच वगैरह ही शो करते हैं, बट वो भी एक पार्ट है गोवा का जो कि और भी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही एक्सपीरियंस लेने वाला है। तो आप अगर गोवा आएंगे तो वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन हम डायरेक्ट आ गए क्रूज़ में जो कि 5:30 तक हमारा पहुँचने का टाइमिंग था एंड 6:30 उसने अपनी जगह से चलना चालू किया जो 8 o'clock तक बैक करेगा। सनसेट देखा हमने क्रूज़ में से, जिसके लिए मेनली हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आपको क्रूजेस के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो ये 600 सबसे कम था, मे बी ये गवर्नमेंट के साथ में कुछ ऐसा कनेक्टेड है, आई डोंट नो। एंड इसके बाद में तो सारे हायर प्राइस में है। मेरा क्रूज़ का एकदम भी मन नहीं था एंड इसका तो एकदम भी मन नहीं था कि ऐसे टाइप में जाऊँ, बट सनसेट देखना था एंड सनसेट का जो व्यू है वो इसी से ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसीलिए हमें ये चूज़ करना पड़ा, नहीं तो मैं बीच में जाके आराम से रेस्ट करती, बट भी फिर हमें इसका ऑप्शन लेना पड़ा। अदरवाइज ये क्रूज नॉट फॉर अस, ये बहुत ही सिंपल एंड जस्ट बहुत ही बोरिंग था ये। तो आप इससे अच्छे अच्छे क्रूजेज भी हैं जिसमें आप जा सकते हैं, मैं आप लोगों को वही सजेस्ट करूँगी, बट अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तब आप चूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों का अपना ही एक ग्रुप बन जाएगा तो आप तब इंजॉय कर सकते हैं इसमें। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
उस मार्केट में ज़रूर जाइएगा, क्रूज़ का एक्सपीरियंस लीजिए, जो कि मोस्टली मैंने वीडियोस में नहीं देखा है, वो लोग ये सब शेयर नहीं करते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कैसे लगा, कमेंट करके लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे कल बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग के साथ में, क्योंकि कल हम बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग जगह जाने वाले हैं गोवा में। देखिए कितना सुंदर व्यू है गोवा के क्रूज़ का, जो लाइट से एकदम भरा हुआ है। बाय बाय, टेक केयर।